गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज आपकी क्लास है हिंदी की। हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले पार्ट 11, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। बेटा, पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, जिसका मतलब है समानार्थी। यानी एक ही शब्द के जब हम दो या तीन नामों से पुकारते हैं तो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे एक ही बच्चे को हम दो या तीन नाम से पुकार रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द। देखिए, एक ही प्राणी या वस्तु के विभिन्न नाम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक ही बच्चे के दो या तीन नाम हो सकते हैं ना, तो इसमें यही चीज़ हमें बताई गई है। पर्यायवाची शब्द एक समान अर्थ देने वाले समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनको बेटा हम समानार्थी शब्द भी इसलिए बोलते हैं, समानार्थी शब्द, क्योंकि ये एक समान है, ठीक है। इनका मीनिंग एक ही है, बस नाम अलग अलग है। अब कुछ पर्यायवाची शब्द हमें दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए। जैसे बाघ का क्या दिया है, बाघ का उपवन। बालक को हम बच्चा भी बोलते हैं और पहाड़ को हम पर्वत भी बोलते हैं। कृषक को क्या बोलेंगे, कृषक को हम किसान बोलेंगे। पेड़ को हम वृक्ष भी बोल सकते हैं, सर्प को हम सांप भी बोल सकते हैं। तो हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद कुछ और पर्यायवाची शब्द देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मित्र को हम क्या बोलते हैं, सखा बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं। पुष्प को फूल भी बोलते हैं बेटा, और सुमन भी बोलते हैं। मीन को मछली बोलते हैं, और विद्यालय को हम क्या बोलते हैं, विद्यालय को पाठशाला बोलते हैं। तीर को बाण बोलते हैं। गाय को हम गौ बोलते हैं, और ध्वज को हम क्या बोलते हैं, झंडा बोलते हैं। और भूमि को हम क्या बोलते हैं, भूमि को हम बोलते हैं धरती। इसी तरीके से आग को हम अग्नि बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ के कई कई नाम होते हैं। दीपक को हम दीप बोलते हैं ना, और नेत्र को हम आँख बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, और नभ को हम क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, माता को हम जननी बोलते हैं, और चांद को चंद्रमा बोलते हैं। तो ये क्या थे, हमारे पर्यायवाची शब्द थे बेटा। इसको इसके साथ इसकी जो बैक एक्सरसाइज है बेटा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, नीट एंड क्लीन। इसी काम को आप हिंदी की कॉपी में कीजिएगा और PDF बना के में सेंड कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक काम और करा रही हूँ, विलोम शब्द। देखिए बेटा, विलोम शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए। अभी हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या थे, हमारे समानार्थी शब्द, यानी एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन नामों से पुकारा जाना पर्यायवाची शब्द हमारा। और यहाँ पे हमारे विलोम शब्द, विलोम शब्द हमारे एंटोनिम्स होते हैं बेटा। इसका मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी जब बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। देखिए, बहुत बार हम किसी शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एक साथ लेकर बोलकर अपनी बात को प्रभावशाली बना देते हैं। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। तो याद, ये देखिए, सदैव याद रखिए, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, एक मोटा आदमी आ रहा है, तो उसका मोटे का विलोम क्या होगा, दुबला। एक दुबला आदमी जा रहा है। मोटा आदमी हंस रहा है, तो दुबला आदमी रो रहा है। बिल्कुल उल्टा हो गया ना ये, देखिए मोटा है और ये क्या है, दुबला। तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, विलोम शब्द। इसी प्रकार हम देखते हैं, मोटा और दुबला उल्टे अर्थ वाले शब्द है। आना और जाना उल्टे अर्थ वाले शब्द है। हंसना और रोना उल्टे अर्थ वाले शब्द है। तो यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया है, इन्हें भी याद कीजिए। अब देखिए, कुछ विलोम शब्द यहाँ पे दिए हैं। ऊंचा का नीचा, पवित्र का अपवित्र, कच्चा का पक्का, शुभ का क्या होता है बेटा, विलोम अशुभ होता है। उतार का विलोम चढ़ाव होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। योग्य का विलोम अयोग्य होता है। और हानि का होता है बेटा लाभ। वीर का होता है कायर। प्राचीन का होता है नवीन। धरती का होता है आकाश। आग का होता है पानी। गर्म का होता है ठंडा। और अनुकूल का होता है प्रतिकूल। कोमल का क्या है बेटा, सख्त है। और दिन का है रात। आशा का है निराशा। मित्र का है शत्रु। दुख का क्या होता है, सुख। सबल का बेटा विलोम होता है, दुर्बल। और राजा का विलोम रंग होता है। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। भलाई का विलोम बुराई है। पाप का पुण्य, जल का थल। अंधेरा का उजाला, और देखिए ऐसा का वैसा, काला का सफ़ेद। तो हमने कुछ विलोम शब्द पढ़े बेटे। इसके बाद जो इसकी बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो ये सारा काम नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में कीजिए, PDF बना के भी सेंड कीजिए। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। बाय।